नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सुहासिनी आप सभी का NIOS स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम चिंतन कौशल के विकास में विद्यालय और शिक्षक की भूमिका विषय पर चर्चा करेंगे। हमने प्रारंभ में अध्ययन किया है कि कोई भी बालक विकास की प्रक्रिया में अग्रसर होते हुए विभिन्न प्रकार के पक्षों में विकसित होता है, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, गामक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास आदि। इस तरह से विकास की प्रक्रिया विभिन्न आयामों में व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के कौशलों में वृद्धि करती है, जिसमें यदि हम मानसिक विकास की बात करते हैं तो वहाँ पर चिंतन कौशल का विकास एक प्रमुख प्रक्रिया है। सर्वप्रथम चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, स्मृति और कल्पना आदि प्रक्रियाओं का समावेश होता है। यदि हम बात करते हैं कि जब बालक विकास की अवस्था में शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की तरफ अग्रसर होता है, तो उसमें कुछ जटिल मानसिक प्रक्रियाओं का भी विकास होता है। इन मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही कोई भी बालक विकसित होता हुआ समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। इन मानसिक प्रक्रियाओं में चिंतन भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने या समाज के सम्मुख आई हुई विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करता है। चिंतन की प्रक्रिया में अतीत के अनुभवों के निष्कर्षों का प्रयोग किसी नई स्थिति का सामना करने और समस्या का समाधान करने के लिए करते हैं। जब कोई भी बालक किसी भी परिस्थिति में किसी समस्या का सामना करता है तो वह चिंतन की प्रक्रिया में अग्रसर होता है। इस चिंतन की प्रक्रिया में वह कहीं ना कहीं अपने अतीत के अनुभवों का उपयोग करता है तथा पूर्व में आई हुई समस्याओं के क्या समाधान उसे प्राप्त हुए थे, उन समस्याओं को भी वह इस विशिष्ट प्रकार की समस्या के निराकरण में उपयोग करता है। चिंतन की प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी समस्या के समाधान में सहायक होती है। यह एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक समाज में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है, जिससे कि वह उचित रूप से किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। शिक्षा शास्त्री DV महोदय ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में चिंतन प्रक्रिया का एक क्रम बताया है। वह क्रम है, चिंतन का प्रारंभ किसी भी समस्या से होता है। जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या होगी तो वह निश्चित रूप से उस समस्या के समाधान को प्राप्त करने के लिए चिंतन प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। चिंतन का गुण एक उच्च मानसिक योग्यता के रूप में यदि प्राणी में उपस्थित है तो वह किसी भी समस्या का निराकरण मात्र प्रयास एवं त्रुटि से नहीं करता, बल्कि वह उस समस्या पर उचित रूप से चिंतन करके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। और निश्चित रूप से यह योग्यता मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करते हुए एक श्रेष्ठ समूह में रखती है। चिंतन के अगले चरण में उस समस्या का संपूर्ण स्थिति के रूप में मस्तिष्क में व्याख्या की जाती है। समस्या का हमारा क्या प्रकार है, उसके विभिन्न पक्ष क्या हैं,
इसका पूर्ण रूप से मस्तिष्क में स्पष्टीकरण किया जाता है। अगले चरण में विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा संभावित समाधानों का विवरण तैयार होता है और उस विवरण में सर्वश्रेष्ठ समाधान को प्रयोग हेतु प्रेषित किया जाता है। चिंतन की प्रक्रिया में निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को विभिन्न मानसिक क्रियाओं द्वारा किसी भी समस्या के लिए कई प्रकार के संभावित समाधान विचार में आते हैं, लेकिन चिंतन का गुण यह है कि उन विभिन्न प्रकार के विचारों में जो विचार उस समस्या के लिए एक सर्वश्रेष्ठ समाधान के रूप में हो उसको सर्वप्रथम प्रयोग किया जाए। अंतिम चरण में जब किसी भी सर्वश्रेष्ठ समाधान को प्रयोग किया जाता है तो उसके परिणाम देखे जाते हैं और उन परिणामों के अनुसार समाधान को स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, मान लिया कि किसी भी समस्या के लिए कोई एक समाधान प्रयोग किया गया, लेकिन उस समाधान के प्रयोग से हमें उस समस्या का निराकरण प्राप्त नहीं हुआ तो हम उस समाधान को छोड़ देते हैं या अस्वीकृत कर देते हैं तथा उस समस्या के लिए जो अगला समाधान हमारे समक्ष उपस्थित है उसका प्रयोग करते हैं। मान लिया कि उस समाधान के प्रयोग से हमें उचित परिणाम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उस समाधान को उस समस्या के लिए स्वीकृत करते हैं तथा अन्य समाधानों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। चिंतन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है। वह चरण कौन कौन से हैं यह जानना आवश्यक है। तो चिंतन प्रक्रिया के प्रथम चरण समस्या के सही आकलन से प्रारंभ होता है। यदि चिंतन की प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप स्पष्ट हो, उस समस्या का उचित आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं चिंतन की प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से उचित दिशा में अग्रसर होगी एवं उसमें किन विशिष्ट मानसिक प्रक्रियाओं का समावेश करना है यह पूर्व निर्धारित हो जाएगा। अगले चरण में समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाना आवश्यक होता है। जिस प्रकार की समस्या है उससे संबंधित कौन से तथ्य हैं उनका संकलन समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। अगले चरण में तथ्यों के संकलन के बाद तथ्यों का विश्लेषण करते हुए हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। चिंतन की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति किसी भी समस्या के निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, किंतु निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वह निष्कर्ष उस समस्या के लिए प्रभावशाली है या नहीं इस विषय पर विचार करना भी आवश्यक है। तो चिंतन का अंतिम चरण है कि उस प्राप्त निष्कर्ष का परीक्षण किया जाए। तो प्राप्त निष्कर्ष का परीक्षण करने के बाद ही हम यह निर्धारित करते हैं कि उस समस्या के समाधान के लिए वह निष्कर्ष उपयोगी है या वह पूर्णतः निरर्थक है और हमें पुनः चिंतन द्वारा सही निष्कर्ष को प्राप्त करना आवश्यक है। चिंतन के विभिन्न प्रकार होते हैं तथा यह प्रकार चिंतन के स्वरूप के आधार पर हैं। कभी चिंतन सरल प्रकार का होता है तथा कभी कभी परिस्थिति के अनुरूप चिंतन में जटिलता आती जाती है। तो चिंतन के पहला प्रकार है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन में व्यक्ति किसी भी वस्तु या समस्या के प्रत्यक्ष रूप से सामने होने पर उसका चिंतन करता है। जैसे अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो एक बार यदि बालक को पता है कि कहीं आग जल रही है, कोई गर्म वस्तु है, उसको छूने से उससे हम जल जाएंगे, तो किसी दूसरी परिस्थिति में जब भी उसके सम्मुख कोई ऐसी अवस्था देखने को मिलती है जहाँ पे
कोई आग है या कोई गर्म चीज़ है, तो उसके दिमाग में उस समस्या के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग किया जाता है और वह उस परिस्थिति से उचित दूरी बनाता है, क्योंकि उसके पास यह अनुभव है कि आग या गर्म वस्तु को छूने से वह जल जाएगा। लेकिन इस चिंतन में प्रत्यक्ष वस्तु या प्रत्यक्ष परिस्थिति का होना आवश्यक है और यह चिंतन की बहुत ही प्रारंभिक अवस्था होती है और मुख्यतः बाल्यावस्था में बच्चों में इस प्रकार का चिंतन देखने को मिलता है। अतः एक शिक्षक के रूप में कक्षा कक्ष में हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम बालक में चिंतन योग्यता का विकास कर रहे हैं तो उसकी आयु के अनुरूप उसे सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक चिंतन की कुशलता के बारे में अवगत कराया जाए या उस प्रकार के चिंतन कौशल के विकास का ध्यान दिया जाए। चिंतन के अगले प्रकार में कल्पनात्मक चिंतन की बात की जानी आवश्यक है। कल्पनात्मक चिंतन में प्रत्यक्ष रूप से समस्या या वस्तु का होना आवश्यक नहीं होता। व्यक्ति इस कौशल में कभी कभी चीज़ों के सम्मुख उपस्थित न होने के बाद भी वह उनका कल्पना के रूप में चिंतन कर सकता है। वह किसी समस्या किसी परिस्थिति को कल्पना के रूप में उससे परिचित हो सकता है, उससे आत्मसात कर सकता है तथा उस परिस्थिति के अनुरूप उचित समाधान क्या है इसके बारे में भी वह चिंतन कर सकता है। अगला चिंतन प्रत्ययात्मक चिंतन है। प्रत्ययात्मक चिंतन प्रमुख रूप से किसी भी विषय किसी भी तथ्य के प्रत्यय से संबंधित होता है। बालक विकास क्रम में अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों से परिचित होता है और उन प्रत्ययों के आधार पर वह चिंतन करता है कि किस प्रत्यय के विषय में किस प्रकार से समझा जा सकता है तथा उसमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं। प्रत्ययात्मक चिंतन के लिए भाषा विकास महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। चिंतन का अंतिम प्रकार है तार्किक चिंतन और इसे कभी कभी परावर्तित चिंतन के रूप में भी देखा जाता है। तार्किक चिंतन चिंतन का एक उच्चतम स्तर होता है जहाँ पे बालक में किसी भी समस्या के प्रति परावर्तित रूप से चिंतन करने का कौशल विकसित हो जाता है और वह किसी भी समस्या हेतु नए नए समाधान उपलब्ध कराने की योग्यता से पूर्ण हो जाता है। चिंतन का शिक्षा में क्या उपयोग किया जा सकता है तथा इस चिंतन प्रक्रिया को बालक के विकास को सुनिश्चित करने में कैसे उपयोग किया जा सकता है यह जानना भी आवश्यक है। शिक्षा की क्रिया को उचित रूप से संचालित करने के लिए चिंतन शक्ति का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। बालक की चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए विद्यालय व शिक्षक की विशेष भूमिका होती है। विद्यालयों में शिक्षकों को चिंतन कौशल के विकास के लिए विभिन्न प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे समाज में बच्चे इस प्रकार से विकसित हो सकें कि उनमें उच्च मानसिक योग्यताएं निर्मित हों जिसे वह विकसित होते समाज में नित्य नवीन अनुसंधान कर सकें, नित्य नवीन समस्याओं के उचित रूप से समाधान करने में सक्षम हों। इसके लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों में उचित चिंतन कौशल का विकास किया जाए और इस कौशल के विकास को कक्षा के अंदर एवं कक्षा के बाहर दोनों स्थानों पर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को उचित भूमिका निर्वाह करना होता है। अगर किसी भी बालक में चिंतन कौशल का विकास किया जाना
है तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे बालक उचित रूप से चिंतन की क्रिया को करने में सक्षम हो सके। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्यक्षीकरण और अनुभव के विकास पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय में यह ध्यान रखा जाए कि जो भी ज्ञान बच्चे को दिया जा रहा है वह प्रत्यक्षीकरण और अनुभव पर आधारित हो। केवल किताबों में पढ़ाकर बच्चे को किसी प्रत्यय के बारे में रटाकर और परीक्षा में उसको उसी हिसाब से लिखने के लिए कहकर हम चिंतन कौशल का विकास नहीं कर सकते। चिंतन कौशल के विकास के लिए आवश्यक है कि बालक को किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान प्रत्यक्षीकरण और अनुभव के आधार पर प्रदान किया जाए। यदि हम विज्ञान विषयों के शिक्षण की बात करें तो वहाँ पर यह और मुख्य है कि आप बच्चे को प्रत्येक प्रत्यय का ज्ञान उसके अनुभव के आधार पर और वास्तविक परिस्थिति से जोड़कर प्रदान करें। चिंतन कौशल के विकास में अगला चरण है प्रत्यय निर्माण में सहायता करना। एक शिक्षक का दायित्व यह है कि विकसित हो रहे बालक में उचित प्रत्यय निर्माण किया जाए। यदि किसी विषय में किसी प्रत्यय के बारे में बालक को उचित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से वह उस प्रत्यय एवं उस प्रत्यय से संबंधित अन्य प्रत्ययों के बारे में चिंतन की योग्यता विकसित कर सकता है। चिंतन कौशल के विकास हेतु भाषा विकास पर ध्यान देना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चिंतन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उन निष्कर्षों को यदि हम दूसरे लोगों से कहना चाहते हैं, दूसरे लोगों को उन समस्याओं के समाधान से अवगत कराना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं भाषा की आवश्यकता होती है और प्रत्यात्मक चिंतन के लिए भाषा एक अनिवार्य स्तर है। जब कभी आप किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में किसी भी समस्या से सामना करने के लिए कहते हैं तो वह अनुभव के आधार पर उस समस्या का समाधान करता है एवं भाषाई कौशल के आधार पर उस समस्या के प्राप्त समाधान को प्रेषित कर सकता है। चिंतन कौशल के विकास के लिए बालकों में रटने की आदत दूर करनी अत्यंत आवश्यक है। प्रायः यह देखने को आ रहा है कि आज हमारे विद्यालयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रटने की आदत एक प्रमुख आदत के रूप में देखी गई है, जहां पर बच्चा केवल दिए हुए विषय को रट लेता है और बिना समझे हुए बिना किसी चिंतन के वह उस रटे हुए विषय को परीक्षाओं में उसी तरीके से लिखता है और हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरते हुए वह अंकों को प्राप्त करके श्रेष्ठता सूची में आ जाता है। लेकिन जब वही बच्चा हमारे समाज में नित नई समस्याओं का सामना करता है और वह अपने अंदर चिंतन कौशल का विकास न कर पाने के कारण कहीं ना कहीं उन समस्याओं का उचित निराकरण प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके अंदर कुंठा विकसित हो जाती है। उसे यह लगने लगता है कि ऐसे क्या कारण हैं कि यदि मैं कक्षा और विद्यालय में अव्वल था, प्रत्येक समस्या का समाधान मैंने श्रेष्ठता के साथ किया, तो आज इस समाज में मैं इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इस विचार से वह अपने को समाज में समायोजित करने में अक्षम पाता है, जो उसके असमायोजन की तरफ अग्रसर होता है। कक्षा में यह शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि वह बच्चों के बीच जिज्ञासा को जागृत करे। जिज्ञासा बच्चों में प्रश्न कौशल को बढ़ाती है और बच्चा जिज्ञासा से शिक्षकों से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं
और उन प्रश्नों के जब समाधान शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं तो बच्चों में भी यह क्षमता विकसित होती है कि वह चिंतन द्वारा किसी समस्या का समाधान करें। इस जिज्ञासा के साथ साथ बच्चे में जब उसकी कोई जिज्ञासा हो तो शिक्षक का यह भी दायित्व है कि उस जिज्ञासा के समाधान में वह बच्चे को भी अपने साथ मिलाकर कार्य करे, उसे चिंतन कौशल से अवगत कराए, उसे यह बताए कि उसके अंदर जो विभिन्न मानसिक योग्यताएं हैं जिन्हें एक व्यक्ति श्रेष्ठ मानसिक योग्यताओं के रूप में धारण करता है, किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाए और किस प्रकार अपनी जिज्ञासा को शांत किया जाए। एक शिक्षक का यह भी दायित्व है कि वह बालक में ध्यान और रुचि का विकास करे। यदि एक कक्षा में बालक ध्यानपूर्वक रहता है तो उसे विभिन्न प्रत्ययों का ज्ञान उचित रूप से होता है, और यदि विषय में बालक की रुचि है तो वह निश्चित रूप से उस विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर परावर्तित चिंतन का प्रयास करता है। अंतिम चरण में पहुंचते हुए बालक उन समस्याओं पर परावर्तित चिंतन द्वारा जब समाधान प्राप्त करता चलता है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास विकसित होता है और उसे यह लगता है कि वह इस विषय में उचित रूप से श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो सकता है। और बालक की रुचि जिस विषय में है उस विषय में यदि वह चिंतन करेगा तो निश्चित रूप से वह अपने आगे के विद्यालयी जीवन में उस विषय में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। एक शिक्षक का दायित्व यह भी है कि यदि बालक में चिंतन कौशल का विकास करना है तो वह बालक को प्रेरणा प्रदान करे। प्रेरणा प्रदान करने में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रेरणा केवल सही किए गए कार्यों या सही समस्या समाधान को ही दी जाए। प्रेरणा बच्चे द्वारा किए गए गलत प्रयासों को भी प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि बच्चे ने समस्या का समाधान सही प्राप्त किया या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे ने किसी विशिष्ट समस्या के लिए समाधान प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। हो सकता है कि वह प्रयास गलत ही हो, लेकिन एक शिक्षक का दायित्व है कि वह बच्चे को प्रयास करने के लिए निरंतर सकारात्मक रूप से प्रेरणा प्रदान करे, जिससे कि बच्चे में चिंतन करने के लिए प्रेरणा मिले और वह चिंतन प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रयास करे। कक्षा कक्ष में तर्क और वाद विवाद के लिए भी अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जो अवसर यह तर्क और वाद विवाद के अवसर बच्चे के अंदर चिंतन कौशल पर ध्यान देने एवं उनका विकास करने में सहायक होते हैं। बच्चों को विभिन्न कार्यों के उत्तरदायित्व भी सौंपने शिक्षक का दायित्व है। यदि बच्चों में चिंतन कौशल का विकास करना है, उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से किस प्रकार निपटा जाए की भावना का विकास करना है तो उन्हें उत्तरदायित्व देना आवश्यक है। जब विभिन्न उत्तरदायित्वों में वह कार्य करते हैं तो उनके अंदर इस कुशलता का विकास हो जाता है कि जब किसी विशिष्ट उत्तरदायित्व को हम निभा रहे हैं तो समस्याएं अगर हमारे सामने हैं तो उन समस्याओं का निराकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। और एक बार विशिष्ट अनुभव प्राप्त हो जाने पर उन अनुभवों को वो बच्चा भविष्य में भी अपने लिए उपयोग कर सकता है। विचार अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना भी स्वतंत्र चिंतन कौशल विकास के लिए आवश्यक है। यदि आप बच्चे को विचार अभिव्यक्ति के अवसर देते हैं तो वह बच्चा सृजनात्मकता की तरफ अग्रसर होता है और वह नए विचारों को आपके सम्मुख रखता है, और नए विचार हमारे समाज के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अध्यापन विधि पर ध्यान देना। एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह कक्षा में किस विधि से पढ़ा रहा है, वह उस पर ध्यान दे। केवल
अगर हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे की चिंतन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कक्षा में ऐसी अध्यापन के लिए ऐसी विधियों का समावेश किया जाए जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखे, उसे प्रयोग द्वारा सिखाया जाए, उसे वास्तविक अनुभव प्रदान किए जाएं, जिससे कि उसके अंदर चिंतन क्षमता का विकास पूर्ण रूप से हो सके। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चिंतन की प्रक्रिया एक बालक की उच्च मानसिक योग्यता की प्रक्रिया है और इसके विकास पर विद्यालय, समाज एवं शिक्षक सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे बच्चे उच्च मानसिक योग्यता एवं परावर्तित चिंतन की योग्यता से पूर्ण होंगे तो निश्चित रूप से वो समाज में अपना उचित समायोजन कर सकेंगे और हमारे राष्ट्र की उन्नति में अपना सहयोग दे पाएंगे। धन्यवाद।